हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये कोई ना हॉरर वीडियो है, ना ही वो कोई हॉन्टेड जगह है। बस ये एक हमारे घर का कोना है जहाँ हम कम ही जाते हैं। तो वहाँ से मुझे कुछ मिला, जो मिला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी देखिए क्या मिला। ये एक्चुअली मेरे पापा का ही खजाना है। ये पापा बहुत टाइम पहले लाए थे, बहुत मतलब बहुत टाइम, शायद हम बहुत छोटे थे। हमने इसके साथ बहुत बार खेला है, इसे यहाँ से वहाँ फेंका है, ना जाने इसके साथ क्या 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 है। तब हमें पता नहीं था ये क्या चीज़ है। तो अब जब मिल ही गया तो देखा जाए क्या करते हैं इसके साथ। जब मिल ही गया है तो इसकी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम से वहाँ पड़ा हुआ था, ना जाने कितने टाइम से, किसी ने इसे नोटिस भी नहीं किया था और किसी को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। पर अब जब मिल गया तो इसको यूज़ करने के लिए तो पहले इसकी सफाई करनी पड़ेगी। और मैं आपको साथ ही दिखा देती हूँ। इसका एक पार्ट मिसिंग है तो मुझे भी पता नहीं था, तो उसके ऊपर एक पार्ट है जो मिसिंग है। और इसके अंदर में कुछ ऐसे बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं। ये एक्चुअली में है एक सेव मेकर, गुजिया मेकर मशीन है। मैं इसके थे 15 अटैचमेंट्स, 15 अटैचमेंट्स थे इसके साथ छोटी छोटी प्लेट। और यह मेरे पास 11 ही हैं, बाकी सब पता नहीं कहाँ घूम गए। एक अंदर अटक गया है, निकल जाओ, नहीं निकलने वाला है ये, कोई बात नहीं, बाद में ट्राई करेंगे इसको निकालने के लिए अच्छे से। तो पहले इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद अगर ये निकल जाए तो ठीक है। तो ये हमें मिला था अपने घर के एक कॉर्नर से। वो वाला कॉर्नर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अगर हाउस टूर का वीडियो आया तो आप ज़रूर देख पाएंगे। तो ये सारे एक्चुअली में पुराने घर है, पुराने घर का पार्ट है, नया घर अभी तक बना नहीं है। और पुराने घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें इधर उधर मिली जाती है, तो उनमें से एक ये भी है। मैंने इसे बहुत बार देखा है बचपन में और कुछ ये इस तरह से क्लीन हो गया है। ट्राई करके भी देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले ये सारे अटैचमेंट्स बहुत सारे थे तो मैंने उनमें से कुछ चुने हैं, तो ज़्यादा नहीं, बस कुछ को ट्राई करेंगे, अगर काम कर गए तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस बेसन का ही बनाया है गुजिया के लिए, और इसको जल्दी से फिल करके, और ये पहले ये सेवई वाला अटैचमेंट लगाते हैं, उसके बाद उस लगाएंगे। ऑयलिंग करने के बाद फाइनली ये टाइम है इसकी सच्चाई जानने का। तो ये कुछ इस टाइप से हैंडल पड़ते हैं, इसका एक पार्ट मिसिंग है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, तो ज़्यादा नहीं, वो उंगली से प्रेस हो जाता है। और लगभग ये बहुत अच्छा निकल के आया, लगभग 20 सालों के बाद इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज ये 20 साल पुराना प्रोडक्ट है, पापा बहुत ही मन से ध्यान से तब लाए थे और तब हम पता नहीं इसके साथ क्या क्या किए हैं। और ये दूसरी वाली जाली, इससे बहुत अच्छा ये निकल रहा था, थोड़ा मैं शायद बेसन गीला हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करेंगे। और ये थर्ड नंबर जाली है, इससे भी ट्राई करेंगे, और वही फिर से सेम इस टाइप से थोड़ा सा प्रेस करके। तो ये लगभग ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इतने दिनों के बाद भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तब पता नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा ही लग रहा है। इसको देख के बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई है। तो होप आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये हमारी तैयार है यादों से भरी नमकीन।